आज हम एक बहुत ही हेल्दी मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं, हलीम सीड्स मिल्क शेक। ये हलीम सीड्स हैं, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ब्राउन कलर में होते हैं। सबसे पहले हम इन्हें पानी में भिगोएंगे। ये हमने एक टीस्पून हलीम सीड्स लिए हैं, एक बोल में इन्हें डालेंगे और उसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे। इन्हें कम से कम 4 घंटे के लिए हम भिगो के रखेंगे। अब इन्हें ढक के रख देंगे। हलीम को भिगो के रखे 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी कितनी सारी ये फूल गई है, सारा पानी इसने सोख लिया। हमने 1 टीस्पून भिगोया था और इसके 12 टीस्पून फूल के हो गए हैं। ये देखिए काफ़ी सारी बन गई है। तो चलिए अब मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें हमने ये 6 डेट्स हैं, सीडलेस हैं ये, इनके छोटे छोटे टुकड़े काट दिए थे, इन्हें ब्लेंडर जार में डालेंगे। और ये 1 टेबलस्पून पीनट बटर है, ये भी ऐड करेंगे। दूध पहले हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि खजूर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसमें हमने 6 टेबलस्पून दूध डाला है। ये हमने 400 ml दूध लिया था टोटल। पहले हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, फिर बाकी का दूध मिक्स करके उसे भी ब्लेंड कर लेंगे। खजूर अच्छे से ब्लेंड हो गई है, ये देखिए इसकी फाइन प्यूरी बन गई है। अब जो बाकी का दूध बच गया है, 400 ml हमने लिया था, ये भी डाल के इसे भी एक बार ब्लेंड कर लेंगे। दूध, खजूर और पीनट बटर अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ये देखिए इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। तो अब इसे मग में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले ये जो हलीम को हमने भिगो के रखा था, ये मग में डालेंगे। ये दूध डालेंगे ऊपर से। हमने इसमें मीठे के लिए खजूर डाली है, आप इसमें गुड़ या चीनी भी डाल सकते हैं। खजूर से ये शेक ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे इसे। हमारा हेल्दी हलीम मिल्क शेक तैयार है। इसमें हमने चिल्ड मिल्क का यूज़ किया था और जो पीनट बटर का भी यूज़ किया है वो भी होममेड है। आप उसका वीडियो लिंक स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इस मिल्क शेक को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।